जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, गांव में छिपे थे दो आतंकी। मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकी, सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। सुरक्षा बलों ने आतंकी के ठिकाने को उड़ाया, रेडवानी गांव की घटना। गांव आने और जाने के रास्ते पूरे बंद, खुफिया एजेंसियों से मिली थी आतंकियों की जानकारी। सोमवार शाम पुलिस टीम पर आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन, 24 घंटे में मारे गए तीन आतंकी। दिल्ली वालों को प्रदूषण से अब राहत नहीं, हवा बेहद खराब। सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन ने कोर्ट को सौंपा हलफनामा, निर्माण कार्यों पर लगी रोक बरकरार। दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों पूरे समय तक करेंगी काम, पेपर टेक्सटाइल और कपड़े की फैक्ट्री 5 दिन करेंगी काम। थर्मल पावर प्लांट खोलने की इजाजत, बिजली संकट को देखते हुए लिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, स्कूलों को खोलने पर कल की बैठक में होगा विचार। देशभर में 73 पर पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा, महाराष्ट्र में फिर सामने आए 4 नए मामले। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मामला सामने के बाद हड़कंप, मुर्शिदाबाद में हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच पाबंदियों में छूट, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना में 2 मरीजों की पुष्टि, हैदराबाद में सोमालिया से आए एक शख्स में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में 135 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचा वैक्सीनेशन की डोज, 1 दिन में लगे 53 लाख टीके। मुंबई में बढ़ी ओमिक्रॉन के खतरे की पाबंदियां, 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना काम और बिना मास्क बाहर निकलने पर कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले पर सरकार सतर्क, रामलीला मैदान को बनाया गया हाईटेक 500 बेड वाला अस्पताल। पटना में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियां तेज, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड का केयर सेंटर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच थाने में खुल गए स्कूल, कोरोना नियमों के साथ बजी स्कूल की घंटी। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 30 की रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान पर 1971 की फतेह के 50 साल के मौके पर आज देश भर में जश्न, शहीद वीर सपूतों को वॉर मेमोरियल पर पीएम देंगे श्रद्धांजलि। 1971 की जीत के जश्न की सियासी होड़, मोदी सरकार करेगी शहीदों का सम्मान। शहीदों के जरिए इंदिरा गांधी के गुणगान की तैयारी में कांग्रेस, आज उत्तराखंड जाएंगे राहुल गांधी। देहरादून में 1971 के जंग के हीरो, पूर्व फौजियों को करेंगे संबोधित। आज किसानों को संबोधित करेंगे पीएम, प्राकृतिक खेती पर ऑनलाइन संबोधन। लखीमपुर खीरी कांड पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर की मांग तेज, आज दोनों सदनों में हंगामे के आसार। इट इज ऑब्वियसली अ कंस्पिरेसी, एवरीबॉडी नोज हु इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी नोज हु सन इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी नोज हु वाज देयर व्हेन दिस फार्मर्स वर किल्ड। द जेंटलमैन इज अ मिनिस्टर, वी वांट द मिनिस्टर टू रिजाइन, वी वांट अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज, पीयूष गोयल ने कहा मामला अदालत में विचाराधीन। बेटे के खिलाफ साजिश के तहत हत्या के मामले पर भड़के अजय मिश्र, पत्रकारों के साथ बदसलूकी। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। चित्रकूट के हिंदू एकता कुंभ में उठा मथुरा मंदिर का मामला, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की कॉमन सिविल कोड की मांग। चित्रकूट में हिंदू एकता कुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया एकता की ताकत का मंत्र। हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचे लेखक गीतकार मनोज मुंशिर, देश के मौजूदा मुद्दों पर रखी अपनी राय। चित्रकूट में देखी हंगामे से खाने के पैकेट को लेकर आपस में भिड़े एनसीसी कैडेट्स और सिक्योरिटी एजेंसी के जवान। एकता महाकुंभ में हाथापाई और कुर्सियां फेंककर झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों को अलग किया। यूपी में विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तेज किया अभियान, नोएडा में मनीष सिसोदिया बोले सरकार बनी तो 34 लाख बेरोजगारों को देंगे नौकरी। दिल्ली सटे गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी। देहरादून में रक्षा मंत्री ने किया सैन्य धाम का शिलान्यास, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। अलीगढ़ के एएमयू के छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कैंडल मार्च, सीए एनआरसी का विरोध कर रहे छात्रों पर चली लाठियां। पंजाब में केजरीवाल के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन, लांबी में जनसभा, कल जलंधर में निकाली थी तिरंगा यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने जलंधर से किए 2 वादे, का सरकार बनते ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे।
बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामलला के किए दर्शन। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आयोजित की गई सूक्ष्म आरती, जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्री शामिल। यूपी के चुनावी घमासान में अखिलेश यादव का बड़ा दांव, टिकट को दिया 7 चुनाव लड़ने का न्योता, बोले समाजवादी पार्टी में स्वागत है। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को महंगाई पर घेरा, गन्ना और सिलेंडर के साथ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का दूसरा दिन, रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। लखनऊ में सीएम योगी विधानमंडल दल की बैठक में हुए शामिल, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली, महिला उत्पीड़न सहित कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंच के मुखिया प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कई दिन भूखे को खाना चाहिए चॉकलेट नहीं। घर लौटे किसान नेता राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर में सौरभ गांव में भव्य स्वागत, जन्मदिन पर टिकैत ने काटा केक। अपने गांव पहुंचने पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर भरी हुंकार, कहा जंग के लिए रहना होगा तैयार, नहीं बिकने देंगे देश की जमीन। किसानों की घर वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर में हटाए गए बैरिकेड, शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। सिंघू बॉर्डर से घर लौटे आंदोलनकारी किसान, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई हैं सड़कें। गुरदासपुर में सुखबीर बादल की चेतावनी, सरकार बनी तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को भेजेंगे जेल। दिल्ली के सरिता विहार में 16 साल की लड़की की खून से लथपथ मिली लाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में एक ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने किया अगवा, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को दबोचा। पटना सिटी के अगम कुआ में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस को अब चोरों की तलाश। महाराष्ट्र के बारामती में एक पति निकला दरिंदा, पत्नी का दोस्तों के साथ किया गैंग रेप, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। आगरा में एक महिला ने दारोगा पर लगाए यौन शोषण के आरोप, एसपी से की शिकायत। गोरखपुर में 36 साल से फर्जी नाम से नौकरी कर रहा था शख्स, धरा गया, डीएम ने की निलंबन की सिफारिश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के टीके का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाला गिरोह चढ़ा हत्थे, 4 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में जमीन विवाद में महिला को बम से उड़ाया, पति और बच्चे जख्मी, पुलिस कर रही है कार्रवाई। जलौर के पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के मकसद से की थी हत्या। बाड़मेर में एक गांव के सरपंच पर एक शख्स ने किया जानलेवा हमला, मामला आपसी रंजिश का। महोबा में बच्चों के मिड डे मील में भारी मिलावट, जांच बनी मजाक, प्रशासन खामोश। बिहार की सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या के 20 महीने बाद आरोपी आजाद, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। समस्तीपुर पुलिस ने भगत हत्याकांड का किया खुलासा, अंधविश्वास के चक्कर में हुई हत्या, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में फर्जी आई कार्ड के आधार पर महाकाल की भस्म आरती में मुस्लिम युवक की एंट्री, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में अवैध पिस्तौल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में सेना के जवान पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, गर्लफ्रेंड के साथ दुबई भागने की थी तैयार। बिहार में औरंगाबाद के डीएसपी रहे अनूप लाल के पटना से आवास पर छापा, माइनिंग घोटाले में सरकार ने किया था निलंबित। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में बड़ा हादसा, 9 की मौत, बस में सवार थे 47 यात्री। गुजरात के दाहोद में गिराई गई पुरानी इमारत, विस्फोटक का इस्तेमाल। पानीपत में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कंप्यूटर सेंटर के मालिक की हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में बेकाबू कार नहर में गिरी, 4 की मौत। मेवात की झुग्गियों में लगी आग, 130 से करीब झुग्गियां जलकर खाक। यूपी के गोंडा में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, अस्पताल में नशे में डांस करते दिखाई दिए डॉक्टर। बक्सर में अतिक्रमण पर पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, कई पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली के गुवाहाटी के लिए इंडिगो की नई उड़ान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच हिमाचल की कुफरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कारोबारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हैदराबाद की 26 साल के उनार सईदा फलक एशियन कराटे चैंपियनशिप में करेंगी देश की अगुवाई। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुरेश लौटी अरनास कौर संधू, मुंबई एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। 64वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जीता गोल्ड। आगरा में एक होनहार बिटिया राजकुमारी को मिला सम्मान, पंक्चर बनाकर अपने घर का पालन पोषण करती है। केरल के अलाफुजा कोटायम में बर्ड फ्लू की दस्तक, सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। राजस्थान में शुरू हुआ सर्दी का सितम, फतेहपुर में पारा लुढ़का 2.7 डिग्री तक। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। भोपाल लाया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। वरुण सिंह के देवरिया स्थित पैतृक गांव में सन्नाटा, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम।